हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आप लोगों को यार, जो बच्चे शायद अगले साल सीईटी देने का सोच रहे होंगे ड्रॉप लेने का, या 2023 में जो न्यू ईयर के जो भी बच्चे होंगे अभी ट्वेल्थ में आ चुके हैं, जो एमएसटी सीईटी के बारे में सोच रहे होंगे, तो उनके लिए एक बोल सकता हूँ यार खुशखबरी है। आप बोलेंगे सर बी पॉजिटिव बोल रहे क्या, इसलिए हाँ बेटा पॉजिटिव बोलूंगा मैं। और क्यों बोलूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन इस वर्तमान पत्र में दी गई वाली न्यूज के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ। आज हमारे जो एजुकेशन जो मिनिस्टर है, टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उदय जी सामंत सर, उन्होंने एक निर्णय ले रहे हैं फिलहाल में, मतलब अभी तक ऐसा कोई जीआर जारी नहीं हो चुका है, बट अगले साल ये निर्णय होने का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या है सर न्यूज, सीईटी 12 में प्राप्त 50% अंकों पे आपको इसके आधार पे प्रोफेशनल कोर्सेज, मतलब जो ट्वेल्थ में पास होने के बाद आप लोग फार्मेसी कर रहे हो, इंजीनियरिंग या एग्री कर रहे हो, तो उसके लिए एक नई टेक्निक लाई जाएगी और उस टेक्निक को 50% का एक फंडा लेके आ रहे। सर क्या है ये, सर ये फंडा बता क्या हो रहा है। दिन में दिन हम लोग देखते जाते हैं कि बेसिक को छोड़ के लोग आगे दौड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेसिक बच्चे हम आगे, और इस दौर में बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं फेल हो जाते, कहीं ना कहीं अपने जिंदगी को ब्राइटनेस बनाने में यहाँ पे सक्सेस नहीं होते। तो सक्सेस होने का जो रियल फंडा है, उन्होंने उनके टीम्स के साथ डिस्कशन करके निकाला है। क्या है सर ये टेक्निक, बेटा ये है कि आपको HSC बोर्ड, मतलब क्लास 12वीं में साइंस में अगर आप लोग पढ़ रहे हो, तो अगर आपको 90 नंबर आते हैं तो वो 45 पकड़ेंगे, अगर सीट में आपको 90 आ गए तो वो 45 प्लस 45, मतलब 50% बोर्ड के, 50% सीटी के, ऐसे नंबर कुल ऐड करके आपको इंजीनियरिंग में, फार्मेसी हो या एग्री हो, इसमें दाखला मिलेगा, इसमें आपको एडमिशन मिलने वाली है। तो ये टेक्निक बहुत बढ़िया है। ये टेक्निक क्यों निकाली गई है, इसके बिहाइंड रीजन ये है बच्चों कि हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ओनली कोचिंग में जाते हैं, कॉलेज करते नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है, कुछ चीज़ें की नहीं जाती, कॉलेज को ऐसे ही नल्ला समझते हैं, हलवा समझते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं देते। लेकिन बच्चों मुझे आपसे भी एक मेरा सवाल है, कमेंट में बताना, बेटा मुझे बताओ अगर आपको बेसिक नॉलेज ना हो, क्या आप लोग ये बड़े बड़े एग्जाम क्या आप लोग इजीली सक्सेस कर पाएंगे। सक्सेस करने के लिए बेटा, जैसे कि मुझे मैथ सीखना है तो मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना चाहिए तो मैं मैथ पढ़ लूंगा, वैसे ये भी है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग भूल गए ये चीज़ों के कि क्योंकि बेटा टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन आप लोगों को अच्छी तरह से नॉलेज गेन होना चाहिए तो ही सीईटी दे सकते। बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, एमएसटी सीईटी का सवाल है, मेरे पास एक बुक है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, इस बुक्स में टीवाई की क्वेश्चन है, बच्चा उठा रहा है, सवाल कर रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा है और बता रहा है कि सर फिजिक्स बहुत हार्ड है। क्यों नहीं हार्ड भैया, क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक की लाइन टू लाइन नहीं पढ़ी है। ये सारी चीजों के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है और इस डिस्कशन के कारण ही बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं अनसक्सेस हो रहे हैं। इनको सक्सेस बनाने के लिए जो मंत्र दिया जा रहा है वो अगले साल से लागू होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है, लेकिन अभी तो कोई ऐसा कोई भी जीआर या पत्रक जारी नहीं हो चुका है, लेकिन होने के मैक्सिमम चांसेस है। और शायद आप लोग, जो बच्चा टेक्स्ट बुक पढ़ेगा वही बच्चा सीईटी अच्छी दे पाएगा, ये मैं पहले से बता रहा हूँ और अभी भी बता रहा हूँ। और शायद इन सभी चीज़ों की ऊपर कुछ रिसर्च हुआ है और वही न्यूज़ यहाँ पे आ चुकी है, तो आप लोग भी देख सकते हो कि सीईटी आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और उसमें दिया गया है। शायद मैं आपको टेलीग्राम पर यह न्यूज़ भेजूँ, ये न्यूज़ भी आप लोग पढ़ सकते हो और आपको पता लगे कि यार सही में आपके लिए जो न्यूज़ है ये बहुत खुशखबरी है। 2023 के बच्चे ने तो पक्का करके ही रखना है कि बोर्ड बहुत रेगुलर करना है, अच्छी तरह से करना है। इसका फ़ायदा सीईटी में तो होता है, लेकिन आप और कुछ होने जा रहा है 50% बोर्ड के, जैसे कि किसी को 80 नंबर आ गए बोर्ड में, 40% वहाँ के होंगे ऐड, और इधर आ गए 90 तो 45, तो आपको 85 नंबर आपके उसके ऊपर ही नंबर लगने वाला है। तो चलो यार, इसी न्यूज के साथ, इसी खुशखबरी के साथ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही गुड न्यूज़ के साथ, तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।